रुपये एक बार और 90,000 रुपये एक बार, 3.5 लाख रुपये तो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुका था कुल। देखिए, पुलिस मुठभेड़ में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक व्यक्ति है, पुलिस पर इन्होंने गोली चलाई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। इसमें से जो 3ों लोग हैं, ये एक व्यक्ति है सूदखोर है, उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, इन्होंने डेट फिक्स कर रखी थी हत्या की जानी है। उनके पास से जो असले है, जो हत्या में प्रयोग होने वाले हैं, वो बरामद हुए हैं। और टोटल घटना के खुलासे के दौरान ये पता चला है कि कुल 2.5 लाख एक शूटर को और 90,000 एक शूटर को दिए जा चुके थे, और 6 लाख रुपए में टोटल दूसरे शूटर को प्लान हुआ था कि उनको और देने हैं। तो इसमें बेसिक रीज़न है कि जो जिसकी हत्या की प्लानिंग की जानी थी, वो एक सूदखोर है व्यक्ति है, उसको सेपरेटली हमने सूदखोरी अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेजा है। 32 लाख रुपए जो हत्या के प्लानर हैं, उसने इस व्यक्ति से उधार लिए थे, जो 8% मंथ पर मंथ रेट चार्ज करता था इसमें, और जो हर 3 महीने पर कंपाउंड हो जाता था। तो इससे त्रस्त होके जब उसने बताया कि 50 लाख रुपए तुम्हारे और बकाया हैं, और घर पर बुला के इसको बंधक बना के जलील किया करता था, तब तो उसने हत्या की प्लानिंग करी, 2 शूटर हायर किए। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलने के बाद मुखबिर के द्वारा इनकी शूटर्स की और मेन कॉन्स्पिरेटर है इनकी गिरफ्तारी हुई है असलहों के साथ पुलिस मुठभेड़ में। तो बहुत ही अच्छी पुलिस की कार्रवाई है। 25,000 रुपये मेरे द्वारा जो स्वाट अल्फा के प्रभारी हैं प्रदीप सिंह और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको दिया जा रहा है, और ADG साहब और DIG साहब ने भी पुलिस टीम के गुड वर्क के लिए अच्छे उचित इनाम की घोषणा की है। और इसमें ये बात भी निकल के आ रही है कि सूदखोर जो व्यक्ति हैं जिनकी प्लानिंग चल रही थी, वो कुछ सफ़ेदपोश लोगों के साथ मिलकर भारी रेट में अपना काफ़ी लोन देते हैं जो कि इलीगल है। तो इसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को चिन्हित करेंगे, और जो जो भी जिस भी व्यक्ति का नाम आएगा कि वो अपने पैसे इलीगल तरीके से ज़्यादा रेट पे चार्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजेंगे।